हेलो दोस्तों, बायोलॉजी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार आपके साथ बना हुआ हूँ आज इवोल्यूशन के टॉपिक के साथ। इवोल्यूशन का ये सीरीज चालू हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। मैं फिर से नेचर में आपका स्वागत कहता हूँ। ऑडियो बुक ज़रूर आपको बेहद खुश और संतुष्ट करेगा। जो रिवीजन कर रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ ऑडियो सुने और एंजॉय करें। लेकिन जो नए हैं, जो एक बार या एक बार भी नहीं पढ़े हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, कृपया वो चैप्टर 7 क्लास 12 खोल लें और मेरी आवाज़ के साथ अपनी निगाहें किताब में लिखी लाइनों पे गड़ाए रहें ताकि बेहतर समझ में आए। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, सो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी हैव, जब हम रात में देखते हैं खुले आकाश को, तो हमें क्या दिखता है? इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, क्या हम समय में पीछे झांक रहे होते हैं? ये सवाल है। और वो कैसे? स्टिलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। वट वी सी टूडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। जो हम देख रहे हैं आकाश में तारों को, ग्रहों को, वहां से जो रोशनी चली है वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आई है। और समय कितना लगा है? समय कितना लगा है दोस्तों? मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसलिए हम समय में पीछे झांक रहे हैं। हाउएवर, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वी सी देम इंस्टेंटली एनहांस इन द प्रेजेंट टाइम। लेकिन हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूरी बहुत कम है और लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसलिए डिस्टेंस कम होने से हम अपने आसपास की चीज़ों को पास्ट में नहीं देख रहे होते हैं, इंस्टेंटली दिखता है मेरे दोस्त। देयर फोर वेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन टू द स्काई। क्या बोला जा रहा है कि जब हम तारों को देखते हैं तो वास्तव में हम भूतकाल में पीछे झांक रहे होते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। लाइफ की जो उत्पन्न उत्पन्न है या ओरिजिन है, ये बड़ा ही एक विचित्र और रोमांचित करने वाला रहस्य है। द यूनिवर्स इज वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट वनली स्पीक। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। कितना बड़ा मेरे दोस्तों? इतना बड़ा जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अर्थ की बात कहें तो ये मात्र एक बिंदु सा प्रतीत होता है अगर हम पूरे यूनिवर्स से इसकी तुलना करें। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। लगभग ये 20 बिलियन ईयर पुराना माना जाता है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। तारों के बड़े बड़े झुंड यूनिवर्स बनाते हैं। गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज में क्या क्या होता है? स्टार्स होते हैं, गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं और डस्ट के भी बादल होते हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पीक। यूनिवर्स की साइज देखें तो अर्थ वास्तव में एक बिंदु मात्र ही है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स द साइज ऑफ यूनिवर्स। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी, ऐसे तो बहुत से थ्योरीज साइंटिस्ट ने दिए हैं, बट द बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है। इसके अनुसार साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ये यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताता है। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल एंड फिजिकल टर्म्स। ये ऐसे एक्सप्लोजन के बारे में बात करता है जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते फिजिकल टर्म में। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। इस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स फैला और तापमान में गिरावट आई। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर। हाइड्रोजन H2 जिसे हम आज जानते हैं और हीलियम HE जिसे आज हम जानते हैं, ये बाद में चलकर बने। द गैस इज कंसीडर्ड अंडर ग्रेविटेशन कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। गैस
जो यहाँ हैं वो ग्रेविटेशन के कारण इकट्ठे हुए और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, जिसे हम आज जानते हैं। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। जिस मिल्की वे गैलेक्सी की हम बात करते हैं या जानते हैं, जिसमें हमारा अर्थ आता है, हमारा सोलर सिस्टम आता है, वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर बैक बना है। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्थ। पहले की जो अर्थ थी वहाँ एटमोसफेयर नहीं था। वाटर वेपर, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। वाटर वेपर, मिथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड अमोनिया NH3 रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो सरफेस को जो मास कवर की हुई थी, पिघली हुई मास, उससे ये सारे पनपे। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 स्केप्ड। सन से निकलने वाली जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो काफ़ी खतरनाक होती हैं हमारे स्किन के लिए, कॉजेस स्किन कैंसर, वो वाटर को तोड़ दिए। किसमें? उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? H2O। H2O को तोड़ेंगे तो H2 अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ये जो H2 था वो स्केप हो गया बिकॉज ऑफ इट इज वेरी लाइट। ये अर्थ को छोड़कर बाहर भाग गया यूनिवर्स में। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मिथेन टू फॉर्म वाटर। अब जो ऑक्सीजन बचा वो अमोनिया और मिथेन के साथ मिलकर बहुत सारे गैसेस बनाए, जैसे कि CO2 बनाया, वाटर बनाया एंड मेनी मोर। तो ओजोन लेयर वॉज फॉर्म। ओजोन लेयर भी बना। ओजोन लेयर की क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? O3। तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे हैं, उसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल्स एज रेन। अर्थ जैसे जैसे ठंडा हुआ, पानी बारिश के रूप में अर्थ पे ही गिरा टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस। और इससे क्या हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ और जो गड्ढे थे, झील थे, नदियां थी, वो भी बने। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। लाइफ पहली बार कब आया? ऐसा माना जाता है कि 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर बैक। एंड लाइफ कब आया? बनने से 500 मिलियन ईयर आफ्टर। अगर इसे हम पास्ट में देखें तो लगभग 4 बिलियन ईयर बैक। अर्थ कब आया? 4.5 बिलियन ईयर बैक। एंड लाइफ कब आया? 4 बिलियन ईयर बैक। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या लाइट आउटर स्पेस से आया? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। पुराने ग्रीक थिंकर ऐसा मानते थे कि लाइफ स्पोर के फॉर्म में आया और ये अर्थ पर भी गिरा और दूसरे जगहों पर भी गिरा। इस रोमांचित थ्योरी को पंस्पर्मिया कहा जाता है। स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आज भी फेवरेट आइडिया बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड। लंबे समय तक ऐसा भी माना जाता रहा कि जीवन सड़े गले पदार्थों से बना है। दिस वॉज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जानते हैं। लुइस पाश्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुइस पाश्चर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। और वो कैसे? ही शोड दैट इन अ प्री स्टरलाइज्ड फ्लस्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड एस्ट व्हाइल इन अनदर फ्लस्क ओपन टू एयर न्यू लाइफ ऑर्गेनिजम्स एरोज फ्रॉम किल्ड एस्ट। तो उन्होंने दो फ्लस्क लिया, एक फ्लस्क को उन्होंने स्टरलाइज करके क्लोज कर दिया, एयर टाइट कर दिया, और दूसरे फ्लस्क को उन्होंने ओपन रहने दिया। और उन्होंने क्या पाया कि जो ओपन फ्लक्स था उसमें ईस्ट पनप गया और जो क्लोज्ड स्टरलाइज्ड
फ्लस था उसमें इष्ट नहीं पनपा। और उन्होंने कहा कि लाइफ पुराने लाइफ से ही आता है। हाउएवर दिस डज नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम ऑन अर्थ। लेकिन इससे ये जवाब तो नहीं मिला कि पहली लाइफ कब आई, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बस्ते में डाल दिया गया है। ओपारिनो फ्रसा एंड हाल्डे ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल। ओपारिन और हाल्डे ने कहा कि शायद लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया होगा, अब सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आया होगा। और उन्होंने किशोरी सारा की आरएनए एंड प्रोटीन की ओर, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ओपारिन एंड हाल्डे का कि मानना था कि जीवन जो है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से पैदा हुआ है, और उन्होंने इस मॉलिक्यूल को प्रोटीन और आरएनए की ओर इशारा किया। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि आज के जो हमारे लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो लाइफ को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, पिगमेंट्स हो गए, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, मेलानिन हो गया, एंड द मेनी मोर, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनऑर्गेनिक है। सुन के कैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इनऑर्गेनिक। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमोसफेयर कंटेनिंग मिथेन अमोनिया इटीसी। अर्थ का कंडीशन क्या था उस समय बिग बैंग थ्योरी के बाद? अर्थ का तापमान बहुत हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स चल रहे थे, टेम्परेचर रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग टेम्परेचर यानी वहाँ रिडक्शंस हो रहे थे, एंड द रिड्यूसिंग टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर इवोल्यूशन, इट मीन्स द केमिकल इवोल्यूशन। रिड्यूसिंग टेम्परेचर ढेर सारे नए केमिकल इवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार माना गया है। एस एल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल। ऐसा ही कंडीशन जैसे अर्थ की कंडीशन थी। कैसी थी कंडीशन? हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स यानी कि वहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे, और रिड्यूसिंग टेम्परेचर था, मीथेन अमोनिया वगैरह। ऐसा ही कंडीशन उन्होंने लेबोरेटरी में क्लोज्ड फ्लक्स में बनाया, और उसमें क्या डाला? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, एंड एट हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। उन्होंने क्या देखा कि अमाइनो एसिड बने हैं। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, पिगमेंट्स एंड फैट। दूसरों ने इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजिनस बेस पाया, पिगमेंट्स पाया, फैट्स पाया और शुगर पाया। शुगर जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जैसे प्यूरिन पायरुविडिन जिसे हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, पिगमेंट्स जैसे कि मेलानिन हेमोग्लोबिन जिसे हम आज जानते हैं ऐसा ही कुछ, और फैट्स के बारे में हमें पता ही है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इसका डाइजेस्टिव फॉर्म है। एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड द सिमिलर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। बहुत सारे मेटियोराइट्स जो अर्थ पे गिरे हैं, मेटियोराइट्स क्या होते हैं? स्पेस में बड़े बड़े पत्थर जो गलती से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम टूटता तारा भी बोलते हैं। जब हम धरती से उसे देखेंगे तो टूटते तारे की जैसा दिखता है, एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, जिसे हम फिल्मों में टूटता तारा बोलते हैं, और विश मांगने लगते हैं। कि आपने मांगा है कभी? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और क्या मांगा है ये भी बताइएगा। सॉरी पर्सनल क्वेश्चन अलाउड नहीं है भाई। आगे देखते हैं, तो उन्हीं मेटेराइट्स की बात हो रही है, वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वो तारे नहीं होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और फ्रिक्शन के कारण वो जल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं।
बट कुछ मेटियोराइट्स बहुत बड़े होते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते और अर्थ को टच कर जाते हैं और एक विस्फोट होता है। और ये विस्फोट कितना घातक होगा पता नहीं, ये उनके स्पीड और उनके साइज पे डिपेंड करता है। हालांकि स्पीड तो कोई भी मेटियोराइट हो मुझे लगता है सेम ही होगा। फिजिक्स की क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, क्या स्पीड मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है? इसका जवाब भी कमेंट में दीजिए। छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर या और बड़ा पत्थर, अर्थ को टच करने की स्पीड क्या होगी? रूट अंडर 2gh, यही होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत सारे मेटियोराइट जो अर्थ पे गिरे हैं, इनमें भी हमें यही केमिकल्स और पिगमेंट्स देखने को मिले हैं जो हमने एसएल मिलर के लेबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट्स में देखा। और हमने अंदाज़ा लगाया कि लाइफ अगर कहीं होगा भी तो इन्हीं केमिकल्स का बेस बनाकर होगा या इन्हीं केमिकल्स से वो पनपा होगा। विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्टर थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड। इस सीमित एविडेंस के साथ हमने पहला पार्ट कंजक्टर थ्योरी का या स्टोरी का हमने एक्सेप्ट कर लिया। और वो क्या था, केमिकल इवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड, यानी कि लाइफ कैसे बना केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू, ना तो पर्मिया के थ्रू और ना ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू। इन दोनों को नकार कर केमिकल इवोल्यूशन को मान लिया गया। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि पहला कैप्सूल ऑफ लाइफ कैसे आया जो खुद रिप्लिकेशन करता हो और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का क्या मतलब है, रिप्लिकेशन इज द पावर कि वो फिर से अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर दे। और डीप में जाएं तो डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे आया फर्स्ट, इसकी अंदाजा हमें नहीं है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। आगे क्या लिखते हैं कि पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर जो सेल जिसे हम आज सेल बोलते हैं, जहाँ एक प्रिमिटिव सेल जिसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर वैक्यूल्स होते हैं, सब बैक्टीरियल सेल आप ले सकते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं ये वगैरह। तो नॉन सेलुलर, वैसे भी सेल की बात नहीं हो रही है, नॉन सेलुलर सेल्स जैसे कि प्रोटीन, ऐसे सेल्स की बात हो रही है, आरएनए, ये नॉन सेलुलर, लेकिन सेल का निर्माण इनसे ही हुआ है। यही वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इवोल्यूशन माना जाता है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। माना जाता है कि नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर पहले आया होगा। दे वुड हैव बीन अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स, और वो क्या होंगे, वो एक जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे। और किन की ओर इशारा किया गया, बिल्कुल हाँ, प्रोटीन एंड आरएनए। आगे के पन्ने पे एक फिगर है एसएन मिलर की। इस फिगर में वैकम पंप दिखाया गया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाया गया है जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन है, और कुछ दो इलेक्ट्रोड्स भी दिखाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज। अब इसे आप देख सकते हैं, एक वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट का इंतज़ाम है और इन दोनों के बीच कंडेंसर लगाया गया है वाटर को ठंडा भी करने के लिए, ताकि वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल कर वापस लिक्विड फॉर्म में आ सके। और उसी के साइड में, लेफ्ट साइड में, एक बॉइलिंग वाटर भी है, यहाँ से वो पानी इवापोरेट होकर जाता है और ये वन साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो वो नॉन सेलुलर लाइफ के बारे में बोला गया, प्रोटीन, आरएनए और पॉलीसेचराइड्स को। दीज कैप्सूल्स रिपोर्टेड देयर मॉलिकुलर परहैप्स, क्या बोला जा रहा है कि ये कैप्सूल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस किए होंगे देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, यानी कि आरएनए अपना दूसरा आरएनए बनाया होगा, प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जन्म दिए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। खासतौर में तो आज हम जानते हैं कि आरएनए
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और डीएनए बना लेता है। तो ये आज की नॉलेज है, लेकिन उस समय जो प्रोटीन था वो नया प्रोटीन को बनाया ही होगा, नहीं तो आगे लाइफ या इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, गॉड नोज। बट ऐसा माना जा रहा है कि ये कैप्सूल अपने जैसे दूसरे कैप्सूल को जन्म दिए होंगे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। पहला जीवन सेलुलर फॉर्म शायद 2000 मिलियन ईयर पहले तक जन्म नहीं लिया होगा, इसके बाद का ही बताया जा रहा है, यानी 2000 मिलियन ईयर्स पीछे जाते हैं तो वहाँ तक तो जन्म नहीं ही लिया होगा। These were probably single cell, और हुए भी होंगे तो ये सिंगल सेल होगा, जस्ट लाइक अमीवा। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, और ये सेलुलर सेल पानी में हुआ होगा। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस इट मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज एंड नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाई मेजर। तो ये जो थ्योरी था बायोजेनेसिस की, कि पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज एंड नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी, कि जीवन बहुत धीमी गति से इवॉल्व हुआ और नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से इवॉल्व हुआ, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेक्चराइड्स वगैरह वगैरह, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। पहला जीवन कैसे आया, कॉम्प्लेक्स सेल में कैसे तब्दील हुआ, ये एक बड़ी ही रोमांचित कहानी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में ये 7.2 इसकी रैंकिंग की गई है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पेज नंबर 128, इसे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को आपने एंजॉय किया होगा, कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मैं आशुतोष कुमार, नचर में आपका स्वागत है। बायोलॉजी ऑडियो बुक की सीरीज में बने रही है, ऐसी ऑडियो बुक आती रहेगी और आती रहेगी। अगर आपका प्यार मिलता रहा, धन्यवाद।